अगर आप इसको समझ पाते हो, इमेजिनेशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए इसको करने के लिए। मैं भी बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज ए बी, दिस विद द डाइपोल लेंथ 2a, दिस विद द सेंटर, दिस विद द पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, अब कैसे करना है उसके बारे में बता दूं, ना तो ये एक्सियल ना ही इक्विटोरियल। ठीक है, अब ये जो ए बी है इसको आप रोटेट करके इसकी लाइन में लेके आएंगे तो एक्सियल हो जाएगा, अगर इसको इस प्रकार से रख दें परपेंडिकुलर तो इक्विटोरियल का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इसके दो तीन पॉइंट अज्यूम किए सिंपल, इसको मैंने ए वन का नाम दिया, इसको मैंने बी वन का नाम दिया, सिमिलर मैंने इसको परपेंडिकुलर रोटेट किया, इसको मैंने ए टू का नाम दिया, इसको मैंने बी टू का नाम दिया। ठीक है, अब ये P था जहाँ थीटा हो P cos थीटा, जहाँ थीटा नहीं हो P sin थीटा, क्लियर हो गया होगा। एक्सियल पे क्या रिजल्ट आता था याद रखना थोड़ा, एक्सियल पे क्या आता था 2P डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में R क्यूब, इक्वेटोरियल पे क्या आता था P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे P नहीं है, P cos थीटा है, यहाँ पे क्या P sin थीटा, क्योंकि थीटा जहाँ वो cos आएगा, जहाँ थीटा नहीं वो sin आएगा एट पॉइंट P, क्लियर एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ए वन बी वन, क्लियर ए वन बी वन देखें लाइन में आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, लाइन में आ चुका है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है, एक्सियल का काम करा ई वन नाम दिया मैंने इसको, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इनटू में टू पी, पी की बजाय पी कोस थीटा आ जाएगा, मैंने बताया ट्रायंगल अपोस आ जाएगा आर क्यू। ठीक है, नंबर वन एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टू बी टू, ए टू बी टू इसको बिल्कुल 90 डिग्री है और ये इन द लाइन ऑफ एक्शन है, डायरेक्शन इसकी ये बनेगी, हमने पहले पीछे टॉपिक में किया है, आप चेक कर लेना अगर चेक करना चाहते हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव, डायरेक्शन अब इस टाइप से आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि साइन कंपोनेंट वहां पे कैंसिल हो गए थे। ठीक है, ये ए वन है, ये ए टू है, क्लियर, ये दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अल्फा कोई एंगल लिया, सेम एंगल नहीं होंगे थीटा, ये थीटा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हमने कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से लिया। ओके, अब यहाँ बात करते हैं इक्विटोरियल का केस हो गया, इक्विटोरियल में क्या था पी फोर पाई एप्सिलॉन इनटू आर क्यूब, बस अब पी नहीं आएगा, पी की बजाय क्या आएगा पी साइन थीटा, दो इक्वेशन हो चुकी हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक आई कंपोनेंट एक जे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अंडर द रूट आई के जो आगे हो प्लस जे के आगे जो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आएगा, पाइथागोरस भी आप यूज कर सकते हो सिमिलर ई टू। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा, वो देखें से बस ई इज इक्वल टू अंडर द रूट ई वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ई वन क्या है हमारे पास ये, ठीक है, मतलब टू पी का स्क्वायर फोर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब कंप्लीट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए देखें शाबाश, यहाँ से जो ये नीचे जो टर्म है दोनों में कॉमन है, पी भी दोनों में कॉमन है, ठीक कॉमन ले लिया मैंने इसको, स्क्वायर था बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर बचा फोर कोस के, फोर कोस के थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, थ्री कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस कोस सिंपल मैथमेटिक्स वन, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यूब अंडर द रूट थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, स्पेशल केस इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा अगर जीरो होगा, कोस जीरो क्या होता है वन, थ्री प्लस वन कितना हो फोर, फोर का रूट टू मीन्स टू पी डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन इनटू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो एक बार, थीटा अगर जीरो हुआ तो पी पॉइंट इसकी लाइन पे आ जाएगा, सिमिलर एक्सियल केस हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस नंबर टू, इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 जीरो कितना हुआ 1 बचा सिंपल, तो ई कितना आया P डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन इनटू R क्यूब, ये क्या था इक्वेटोरियल थीटा जब 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ आएगा इक्वेटर का काम करेगा, ठीक है। नाउ अबाउट इस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर E2 बाय में E1, E2 क्या था E1 क्या है E2 ये था E1 ये 4 एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैं इसको रखूंगा तो मेरे पास P sin थीटा बाय में 2P cos थीटा आएगा, ये इक्वेशन मैंने एक बार रन कर दिया आप चेक कर लेना, P से P कैंसिल sin बाय cos tangent 1 बाय 2 tangent थीटा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दो रिजल्ट हम लोगों को निकालने थे, रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2, तो ये हमारे पास ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास ये टॉपिक कवर हुआ, इस सिलेबस में तो नहीं है डायरेक्टली लेकिन फिर भी हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसके रिगार्डिंग हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या फिर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, टॉर्क का हम केस करते हैं, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से हमें अब टॉर्क फाइंड आउट करनी है। देखें सेल्स बिल्कुल इजी है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई डायपोल रखा हुआ हमने माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, थीटा कोई एंगल बना हुआ, ये थीटा मान सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ थीटा मान सकते हो, ठीक है, थीटा डायपोल लेंथ वही टू वे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव ये होगी, यहाँ फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, डायरेक्शन बस अपोजिट होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज, सीधा थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर ये सेम एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं हमारे पास तब उस केस में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल फोर्स की बात करता तो वहां पे हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अब ये है, मैं इसको दोनों साइड से खींचूंगा, टॉर्क नहीं होगी, टॉर्क मोमेंट ऑफ कपल को बोलते हैं। अब ऐसे है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है एक यहाँ लग रहा है, तो फोर्स हमारे पास इसको रोटेट कर देगा, इस रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गई होगी सभी को ये बात, रोटेशनल इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, एक फोर्स यहाँ लगा एक फोर्स यहाँ लगा हमारे पास, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ, टॉर्क क्या होती है मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमारे पास टॉर्क बोलते हैं, वैक्टर क्वान्टिटी है, पोजिशनल वैक्टर पहले आता आर पहले आता फोर्स बाद में आता, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात की जा रही ओनली तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये इनके परपेंडिकुलर है दोनों के, दिस एंगल थीटा 90 डिग्री हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ट्राइंगल कोई भी हो मैंने सिंपल सा बता रखा है, जिसको फाइंड आउट करना उसको ऊपर लिखो, बी से सी को मैंने ऊपर लिखा, इसका पता ए से बी का, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास, सॉरी बेस तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा, बी से सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी मीन्स टू ए साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो टू ए साइन थीटा, टू ए इंटू क्यू क्या हो गया पी, पी ए साइन थीटा बोल तो नहीं गए ना, डायपोल होता है पी, डायपोल मेट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, तो टॉर्क हमारे पास है पी साइन थीटा, टॉर्क हम सिंपली बोल सकते हैं पी क्रॉस और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल ऐसा बोल सकते हैं। टॉर्क हमारे पास देखो जब थीटा जीरो होगा, टॉर्क जीरो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो ये नेगेटिव आएगी, इसको बोलेंगे अनस्टेबल, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगी जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, साइन 90 मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में थी बात सभी, टॉर्क स्पेशल केसेस एंगल, ठीक है, तो ये टॉर्क के बारे में सभी को क्लियर हुआ होगा आई थिंक, इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग,
डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 1000 माइक्रो कूलम प्लस माइनस, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय 2 mm एंड डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 degree विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 4×10⁻³ न्यूटन पर कूलम, देन कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। आप भी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करें, एक बार देखे से बस क्या आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, ट्राई करते हैं बस। देखें, टॉर्क का फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी कैसे निकलता है, पी विद द डाइपोल मोमेंट है, पी कैसे निकलेगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये जो 2 mm गिवन है ना, 2 × समथिंग मत लिखना इसको, 2 mm कंप्लीट 2a की वैल्यू है, ये कंप्लीट 2a, ठीक है। q गिवन है डाइपोल माइक्रो 10⁻⁶, q हो गया 2a, डिस्टेंस कितनी 2 mm, 2 mm मींस 2×10⁻³, ठीक है, ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 4×10³, ये हो गया। साइन थीटा कितना है, 30 degree, साइन 30 कितना 1/2, कैंसल, कितना हुआ देखिए से बस, 10⁻³, 10⁻³, 10⁻⁶, +3, +3, +6, कैंसल, कितना बचा 4×10⁻³, टॉर्क है न्यूटन मीटर, ठीक है, या इतना ही बोल सकते हैं, मिली में बोलेंगे तो उससे ऐसा यही ठीक रहेगा हमारे पास आंसर, 4×10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सभी से, कोई खास बात नहीं है इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए सेवास, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है एक चीज का, मैंने कभी बताया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को सिर्फ वर्कडन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, वर्कडन जो होगा, और वर्कडन के दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, वर्कडन एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर होगा टॉर्क जब गिवन हो तो टॉर्क इंटू डी थीटा होता है, और वर्कडन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है, स्केलर होता है। तो हम बात करते हैं बस, यहाँ पे हमें किस चीज का पता है, अभी हमने डायग्राम किया, अगर पेपर में आता है तो दोबारा से आपको यही डायग्राम रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डायपोल है मेक इन एन एंगल थीटा विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्यू इंटू ई, यहाँ क्यू इंटू ई, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट, इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल का रखा है, डायपोल लेंथ 2a हमारे पास हुई, ठीक है। अभी टॉर्क हम फाइंड आउट किए करके आए, ठीक है। नाउ टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने टॉर्क फाइंड आउट की, टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन निकालेंगे, उसी को कन्वर्ट करेंगे। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन को dW से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है।
टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क हमारे पास क्या है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये डी डब्ल्यू है, हमें टोटल निकालना, तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंसर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, ठीक है लिमिट हम थीटा वन से थीटा टू हमने ली है, तो पी बाहर साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा माइनस कोस होता है, माइनस कोस थीटा, थीटा वन थीटा टू, नेगेटिव साइन हमने बाहर लिख लिया है, पी बाहर आया हमारे पास अपर लिमिट कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ठीक है। नाउ स्पेशल केस, थीटा वन थीटा टू भी गिवन है, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, लेट अज्यूम क्या है थीटा टू इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90 जीरो, तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, या सिंपली यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्लियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रकार से हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हुआ। तो हमने आज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टॉपिक हैं आपको मेमोराइज भी करने हैं, क्या क्या हमने बात की देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, इलेक्ट्रिक फील्ड होता हमारे पास फोर्स अपॉन चार्ज, ये चार्ज कौन सा था, सोर्स चार्ज था, अटैच चार्ज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने डायपोल के बारे में बात की, डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मेट किसको बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद हमने इसके केस किए, डायपोल के रिगार्डिंग एक्सियल का किया, इक्विटोरियल का किया, एट एनी पॉइंट किया, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग का केस किया, आफ्टर दैट हमने टोर के बारे में बात की, आफ्टर दैट हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की। तो इसके सभी पॉइंट सभी टॉपिक सभी हमने कवर कर लिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। यूनिट फर्स्ट भी काफ़ी बड़ी यूनिट है क्योंकि चार चैप्टर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, चार चैप्टर हम करेंगे, तो मतलब हमने हाफ यूनिट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो करते रहे रिवाइजन को, लिखते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे, थैंक यू।